दिमनी विधानसभा से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर आज पर्चा दाखिल करने आए हैं, वो हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, कैसे जीतेंगे एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ? जनता जिताती है, केंद्रीय मंत्री की जेब में वोट थोड़ी है, जनता की जेब वोट है जनता के पास। केंद्रीय मंत्री दावा कर रहे हैं खुद तो जीतेंगे, साथ में अंचल से सभी सीटें जीत के सरकार बनाएंगे। अगर केंद्रीय मंत्री जीतने की स्थिति में होते तो उनको कैंडिडेट नहीं बनाया जाता। ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का भय बोल रहा है कि उनको जो है विधानसभा, अभी तो जनता ये भी कह रही है कि सरपंच जी का चुनाव भी यही लड़ने आएंगे। वो मंत्री का केंद्रीय मंत्री का कहना है कि विकास किया, विकास के साथ जाएंगे जनता के पास तो वो चुनेगी। कौन सी फैक्ट्री लगाई है, नौजवानों को रोजगार दिया है क्या, किसानों का क्या भला हुआ है? अभी खाद के लिए लाठियाँ खा रहे हैं किसान, बीज की मेडिकल वो वहाँ केंद्रीय विद्यालय लेके आए अम्बा के लिए और ले जाके वहाँ रख दिया, तो ये जनता कह रही है दिमनी की। तो दिमनी की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक उपलब्धि नहीं है उनकी। 10 साल से केंद्रीय मंत्री हैं, 15 साल से सांसद हैं, उससे पहले 10 साल विधायक रहे, मैं समझता हूँ 20 साल से पावर में हैं केंद्रीय मंत्री जो दिमनी में प्रत्याशी हैं। और जनता तो अब ये कह रही है कि अब ऊँट पहाड़ के नीचे है। वो केंद्रीय मंत्री का ये भी दावा है कि अन्य सीटों पर के साथ साथ दिमनी में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों की अपन जमानत जब्त कराएंगे। वोट कहाँ से लाएंगे? वोट बैंक तो दिमनी में कांग्रेस का है, इससे पहले 4 बार का रिकॉर्ड उठा लो सामान्य सीट पे, 2008 में, 2013 में, 2018 में, 2020 में भारतीय जनता पार्टी हारी है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीती है, आप रिकॉर्ड उठाओ। जब BSP भी है पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं BSP का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस को इफेक्ट करता है। देखिए ऐसा है, बढ़ाना आया था ना पहले, कौन लेके आया था आप बताओ? आप सबको जानकारी है ना, दिमनी की जनता जानती है कि ये कौन लेके आया, इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जनता को पता है ये चीज़। तो कांग्रेस की जीत निश्चित मान रहे हैं आप? 1000% 50,000 वोटों से कांग्रेस जीत रही दिमनी में। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलता हूँ, मैं जमीन का आदमी हूँ, घर घर में जुड़ा हूँ, मतदाता की नब्ज को पहचानता हूँ। लोग हमको स्नेह करते दिल से, हम लोगों को स्नेह करते मतदाताओं को, क्योंकि हम 24 घंटे वाले आदमी हैं, हमारा और कोई काम नहीं है। 15 साल से केवल और केवल दिमनी की जनता की सेवा और उनको समय देना, उनकी बात सुनना, उनका काम करना, उनके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ। ये थे कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर, जो दिमनी से प्रत्याशी हैं। उनका साफ कहना है कि वो केंद्रीय मंत्री को शिक्षक को परास्त तो करेंगे ही, साथ ही 50,000 वोटों से दिमनी में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। दुष्यंत सिकरवार, आज तक, मुरैना।